नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टेक्निकल पीसीएस जयाल महतो और मेरे चैनल पर अगर आप लोग न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आज आप लोग को वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं डायनामिक डिस्क को बेसिक डिस्क में कन्वर्ट करने के बाद जो प्रॉब्लम होता है। अगर आपने कभी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू से अगर आप डिस्क को कन्वर्ट किए हैं, प्रॉब्लम को मैंने फिक्स करके उसको दिखाए और दिखाने के बाद उनको क्या रिएक्शन हुआ, ये सारे आज ये वीडियो पे आप लोग को दिखाने वाला है। ये देखिए, यहाँ पर सिर्फ लोकल डिस्क सी शो कर रहा है, बाकी कोई भी शो नहीं कर रहा। टोटल चार डिस्क थी मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पर इसे मैंने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक अलग सी चीज़ है। अब मेरे को लगा कि ये हेल्थी लॉजिकल ड्राइव लिखा हुआ था, इसी वजह से ये मेरा डाटा नहीं शो हो रहा, जबकि इसमें कुछ और शो है। फिर मैंने अपने दूसरे पीसी में देखा, उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही हेल्थी लॉजिकल शो कर रहा है, लेकिन उसमें मतलब बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये ऊपर डिस्क शो भी कर रहा है, मतलब डाटा है इसमें। ये आप देख सकते हैं कि कितना खाली स्पेस बता रहा है, मतलब डाटा है इसमें, डिलीट कुछ भी नहीं हुआ। और ये सॉफ्टवेयर है जिससे मैंने डायनामिक डिस्क था, और आप लोग जानते हैं कि डायनामिक डिस्क को फॉर्मेट करना या पार्टीशन करना प्रॉब्लम होता है। तो फ्रेंड्स, जो डायनामिक हार्ड डिस्क है, उन्होंने क्या किया, डायनामिक हार्ड डिस्क को बेसिक में कन्वर्ट किया। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया गूगल से और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू से उसको कन्वर्ट करके बेसिक डिस्क में लाया। और ये सॉफ्टवेयर है जिसे मैंने डायनेमिक से बेसिक में कन्वर्ट किया है। तो ये हार्ड ड्राइव आप देख सकते हैं, जो सी ए सही वर्क कर रही है उसके ऊपर सी लिखा है, बाकी के ऊपर अलग सा है सर कुछ, ठीक है। और ये डिस्क वो है जिसको मैं रिकवर करना चाहता हूँ। इसमें ये मेरा सही डाटा बता रहा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और ये दूसरी भी है, इसमें भी सही से बता रहा है कि क्या क्या डेटा है। अब ये ना तो कॉपी हो रहा है ना कुछ हो रहा है। देखिए, मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। और यहाँ पर ये शो कर रहा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी। अब मैं इस डिस्क को पहले की तरह करना चाहता हूँ, आप मेरे को बताओ कि ये कैसे होगा। यहाँ पर ये ऑप्शंस हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऊपर भी है लाया। लेकिन उनका चार पार्टीशन था फ्रेंड्स, फोर पार्टीशन था। तो चार पार्टीशन में से ओनली फोर सी ए शो कर रहा था आफ्टर कन्वर्टिंग ऑफ बेसिक डिस्क। तो डायनामिक टू बेसिक में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जब उन्होंने अपना सिस्टम को ओपन किया तो सिर्फ एक ही पार्टीशन दिख रहा था, और सी है और ई एफ वाला जो भी डेटा है डी ई एफ दिख नहीं रहा। अब क्या करेंगे, वो काफी परेशान था। तो एक बार मेरे से कॉन्टेक्ट किया, मेरे को वीडियो क्लिप बना के भेजे जो अभी आप लोग। इसके बाद ये भी दिखाऊंगा कि ये जो है कि उनका प्रॉब्लम फिक्स होने के बाद, यानी प्रॉब्लम को मैंने फिक्स कर देने के बाद क्या रिएक्शन हुआ, और इस प्रॉब्लम को कैसे मैंने फिक्स की, ये भी आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे चैनल पे, और मेरे चैनल पर अगर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक करना। थैंक यू सो मच टेक्निकल पीसीज, आपने मेरी इस प्रॉब्लम का बहुत ही अच्छे से आपने सॉल्यूशन निकाल कर दिया। एक्चुअली मेरे इस पीसी में सिर्फ लोकल डिस्क सी शो कर रही थी, बाकी डिस्क शो नहीं कर रही थी। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसका किसी ने इसका सॉल्यूशन नहीं दिया था मेरे को। देन मैंने कॉन्टैक्ट किया टेक्निकल पीसीज से, और उसने अच्छे से ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया मेरे को। सो बहुत ज़्यादा थैंक यू आपका, दिल से थैंक यू। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ये मेरे लिए, और आपने इसको खुद ने टाइम निकाल कर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। दिल से थैंक यू आपका टेक्निकल पीसीज, थैंक यू सो मच। आप लोग देख सकते हैं इनका रिएक्शन। तो कंप्यूटर पे डिस्क पीसी पे राइट क्लिक करके इसको मैनेज पे जाना फ्रेंड्स, और डिस्क मैनेजर पे जाना होगा। तो डिस्क मैनेजर पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए सी डी ई एफ जो भी डेटा आपका शो करेगा, जो भी ड्राइव शो करेगा, यहाँ पे ये जो ड्राइव है, ड्राइव का लेटर जो है कि लेटर उनका जो जब डायनामिक टू बेसिक किया तो उसका लेटर मतलब गायब हो गया था। तो यहाँ क्या करना होगा, इसको कोई भी लेटर देके साइन करना होगा। तो राइट क्लिक करके यहाँ जो है कि यहाँ पे उसका लेटर यहाँ पे असाइन करना होगा। तो जो डी ई एफ जो भी है उसको यहाँ पे असाइन कर देंगे फ्रेंड्स। देने के बाद इसको ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद उसका जो ड्राइव का नाम था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, यही उनका प्रॉब्लम हुआ था उनके साथ, और काफ़ी परेशान था। तो ये प्रॉब्लम ठीक कर देने के बाद काफ़ी खुश हुआ है, जो आप लोग को ऑलरेडी वीडियो पे दिखा दिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।